जदयू एमएलसी के घर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और भी कई नेता, और वहां पर नीतीश कुमार भी पहुंचे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साथ ही तेजस्वी यादव भी पहुंचे। मगर सबसे बड़ी सुर्खियों में रही कि जदयू एमएलसी के यहाँ सम्राट चौधरी का पहुंचना और साथ ही नीतीश कुमार का पहुंचना, तेजस्वी यादव का पहुंचना। बता दें कि श्राद्ध कर्म में पहुंचे थे जदयू एमएलसी संजय सिंह के माता जी के श्राद्ध कर्म हो रहा था वहां पर, और वहां पर देख रहे होंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित भी की। उसके साथ जिस प्रकार से लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आए और साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्री, अधिकारी और अलग अलग पार्टियों के नेताओं का आने का क्रम जारी है। बता दें कि यह जदयू एमएलसी के माता जी का श्राद्ध कर्म, वहीं मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय शांति देवी को श्रद्धांजलि दी और संजय सिंह और उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें संतावना भी दी। और इस अवसर पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और बताते चलें कि बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण, सांसदगण, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार भी देखे गए। वहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग भी देखे जा रहे होंगे वीडियो में। वहीं श्राद्ध कर्म में अलग अलग पार्टियों के नेता दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी सुर्खियों में रहे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे वहां पर। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस के नेता निखिल कुमार और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार भी शामिल हुए। एमएलसी संजय सिंह ने भी सभी आगंतुकों का आभार जताया और बिहार के अलग अलग जिलों से भी लोग इस मौके पर जदयू एमएलसी के आवास पर पहुंचे और उनकी दिवंगत माताजी की श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी दलों के नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनके माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।